एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहां पर बनाएंगे पनीर भुर्जी। पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। तो पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने लिया है पनीर, यहाँ पे हमने ये 300 ग्राम पनीर लिया हुआ है और इसको बिल्कुल ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में एकदम काट के बिल्कुल रखा हुआ है। और आप इसको मैश करके भी पनीर भुर्जी बनती है, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह से बना रही हूँ और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में ये देखिए इस तरह से मैंने काट के रखा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ 3 मीडियम साइज के प्याज हमने चॉप करके रखे हुए हैं, 3 बड़े टमाटर को भी बारीकी से हमने काट के रखा हुआ है, बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया और ये कुछ मसाले हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, जिसमें कि हमारे पास है हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, पिसी लाल मिर्च, साबुत जीरा और गरम मसाला। तो शुरू करते हैं पनीर भुर्जी बनाना। ऑयल गरम हो गया है, सबसे पहले इसमें ये जीरा डालेंगे और जीरा डालने के बाद में प्याज जो है ये लाइट ब्राउन हो गई है, तो अब इसमें सबसे पहले ये टमाटर हम ऐड कर देंगे और अब इसमें कुछ मसाले हम इसमें डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी मैं यहाँ पे लाल मिर्च भी यूज करूंगी, तो आप सिर्फ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों यूज कर रही हूँ। इसमें 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, ये 1/2 छोटी चम्मच के करीब जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच बिल्कुल गरम मसाला हम डालेंगे और नमक हमें अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालना है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में इसे टमाटर अच्छे से जल्दी थोड़ा सा पक जाए तो हम 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। और इसे 5 मिनट के लिए हम कवर कर देते हैं, गैस भी हमने बिल्कुल धीमे कर रखी है। 5 मिनट बाद हम इसे ओपन करेंगे और ये टमाटर भी अब इसमें अच्छे से पक गए हैं एकदम, गैस भी हम तेज कर लेंगे वापस से। उसके बाद में ये जो पनीर हमने काट के रखा हुआ है ये हम इसमें मिला देंगे। और पनीर को अच्छे से मिक्स करने के बाद में साथ ही साथ इसमें हरा धनिया भी हम डाल देंगे। गैस भी हमें तेज रखनी है बिल्कुल, ताकि जो भी इसमें टमाटर हमने पकाए हैं तो जरा सा भी जो भी पानी था सब सूख जाएगा। तो इसमें धनिया पत्ती भी हम डाल देते हैं। और ये पनीर भुर्जी बनके रेडी हो गई है, क्योंकि इसमें जो भी पानी था वो भी एकदम सूख गया है। और इस तरह से जब पनीर हम इसमें डालेंगे तो 1-2 मिनट के लिए तेज गैस पे हम पका लेंगे, तो बहुत ही अच्छी भुर्जी बनके रेडी होगी, बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा उसमें। फिर गर्मा गर्म पनीर भुर्जी बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।